ही मानव का कल्याण है। वेदों को अपना लो मेरे भारत देश के वासी, इसके द्वारा देश में बंधु खुशहाली आ जाएगी, गुलशन गुलशन खिल जाएंगे, चिंताएं मिट जाएंगी, कोई ना होगा भूखा प्यासा, तकदीरें बन जाएंगी, तकदीरें बन जाएंगी, देश को बर्बादी से बचा लो भारत देश के वासी, वैदिक पथ पर चलने से ही मानव का कल्याण है। वेदों को अपना लो मेरे भारत देश के वासी। धन्यवाद अनिल जी। प्रवीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं फरीदाबाद से अरविंद गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा कि एक मधुर भजन, फिर आचार्य जी, फिर नरेंद्र सुमन जी, फिर विजय भूषण जी का वक्तव्य होगा। आइए रविंद्र गुप्ता जी, फरीदाबाद से स्वागत है। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी। आज के पूरे कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हो रही है, कल यूट्यूब पे देखेगी और फेसबुक पे भी साथ साथ पूरे विश्व में लाइव चल रहा है। स्वागत सबको मेरा नमन। हम तेरे उपासक मांग रहे भगवान, हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे भगवान, हमें सद्बुद्धि दो। हे सविता मेधा प्रज्ञा दो, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मां रहे, बुद्धि बल से ही मानव का उत्कर्ष यथावत संभव है। बुद्धि बल से ही मानव का उत्कर्ष यथावत संभव है। गायत्री मंत्र में मांगा है भगवान हमें सद्बुद्धि दो, हम तेरे उपासक मांग रहे। हे देव उपास्य उपासक के, सब पाप दूरित दुख दूर करो। हे देव उपास्य उपासक के, सब पाप दूरित दुख दूर करो। हम भद्र कहें हम भद्र सुने, भगवान हमें सद्बुद्धि दो, हम तेरे उपासक मांग रहे। सद्ज्ञान विवेक समृद्धि दो, रिद्धि सिद्धि और वृद्धि दो। सद्ज्ञान विवेक समृद्धि दो, रिद्धि सिद्धि और वृद्धि दो। तन धन दो, मन की शुद्धि दो, भगवान हमें सद्बुद्धि दो, हम तेरे उपासक मांग रहे। जीवन क्या है मृत्यु क्या है, हम क्यों आए मानव योनि में। जीवन क्या है मृत्यु क्या है, हम क्यों आए मानव योनि में।
इन गूढ़ रहस्यों को जाने, भगवान हमें सद्बुद्धि दो, हम तेरे उपासक मांग रहे। भगवान हमें सद्बुद्धि दो, हे सविता मेधा प्रज्ञा दो। भगवान हमें सद्बुद्धि दो, हम तेरे उपासक मांग रहे। भगवान हमें सद्बुद्धि दो। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र गुप्ता जी। आरिस्पा कीर्ति नगर के पूर्व प्रधान सुरेंद्रपति राजा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आरिस्पा सहारनपुर खलासी लेन से सुरेश सेठी जी का भी स्वागत है। ईश्वर देवी जी अलवर से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आशा आर्य जी फरीदाबाद से। सभी को सादर नमस्ते। मैं एक प्रभु भक्ति गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। भक्तों का होवे नमस्कार प्रभु तेरे चरणों में, भक्तों का होवे नमस्कार प्रभु तेरे चरणों में, झुकता है सारा संसार प्रभु तेरे चरणों में, झुकता है सारा संसार प्रभु तेरे चरणों में। तुम हो भंडारी तो हम है भिखारी, तुम हो भंडारी तो हम है भिखारी, दोनों के नाथ सुनो विनती हमारी, दोनों के नाथ सुनो विनती हमारी, करते हैं मिलकर पुकार प्रभु तेरे चरणों में। भक्तों का होवे नमस्कार प्रभु तेरे चरणों में, जो बन गया तेरे दर का सवाली, जो बन गया तेरे दर का सवाली, आकर यहाँ से कभी जाए ना खाली, आकर यहाँ से कभी जाए ना खाली, भरते हैं सबके भंडार प्रभु तेरे चरणों में। भक्तों का होवे नमस्कार प्रभु तेरे चरणों में, जिसने गुहार तेरे दर पर लगाई, जिसने गुहार तेरे दर पर लगाई, उसकी सदा ही तूने बिगड़ी बनाई, उसकी सदा ही तूने बिगड़ी बनाई, कटते हैं संकट पार प्रभु तेरे चरणों में। भक्तों का होवे नमस्कार प्रभु तेरे चरणों में, दुनिया में और कोई तुम सा न दाता, दुनिया में और कोई तुम सा न दाता, माता पिता सबका बंधु व भ्राता, माता पिता सबका बंधु व भ्राता, मिलता है सबको ही प्यार प्रभु तेरे चरणों में। भक्तों का होवे नमस्कार प्रभु तेरे चरणों में, भक्ति के बावली जो दर पे आया, भक्ति के बावली जो दर पे आया, उसको आनंद मिला वरदान पाया, उसको आनंद मिला वरदान पाया, खुशियां मिली है बेशुमार प्रभु तेरे चरणों में। भक्तों का होवे नमस्कार प्रभु तेरे चरणों में, झुकता है सारा संसार प्रभु तेरे चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आर्य समाज के युवा गायक आरिस्पा रमेश नगर के महामंत्री नरेंद्र आर्य सुमन जी एक मधुर गीत आपके सामने प्रस्तुत करें। आइए सुमन जी। ओम सभी को सादर नमस्ते जी। वो तो अंध
वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम समझना न चाहे तो वो क्या करे। वो तो कहता है, वो तो कहता है, वो तो कहता है, आदत बुरी छोड़ दो, हम बदलना न चाहे तो वो क्या करे। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, कितनी जल्दी अंधेरों में हम गिर गए, आया झोंका हवा का तो हम गिर गए, कितनी जल्दी अंधेरों में हम गिर गए, आया झोंका हवा का तो हम गिर गए। वो बचाता है, वो बचाता है, हाँ वो बचाता है, गिरने से हमको सदा, हम संभलना न चाहे तो वो क्या करे। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, कौन कहता है गिरते कभी हम नहीं, गिर पड़े गहरी खड में तो कुछ गम नहीं, कौन कहता है गिरते कभी हम नहीं, गिर पड़े गहरी खड में तो कुछ गम नहीं। वो तो खाई में, वो तो खाई में, हाँ वो तो खाई में, सीढ़ी लगा देता है, हम निकलना न चाहे तो वो क्या करे। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, जिस्म और जान को खो रहे हैं यूं ही, उसने सब कुछ दिया रो रहे हैं यूं ही, जिस्म और जान को खो रहे हैं यूं ही, उसने सब कुछ दिया रो रहे हैं यूं ही, वो तो रोतों को हंसाने पे बेताब है, रोतों को वो हंसाने पे बेताब है, हम बहलना न चाहे तो वो क्या करे। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, तैरना थे तो हसरत थी हम भी चले, सैर भी की हुई घास पर हम करें, पैर ना थे तो हसरत थी हम भी चले, सैर भी की हुई गैस पर हम चले, उसने बेजान पैरों में हरकत भरी, उसने बेजान पैरों में हरकत भरी, हम टहलना न चाहे तो वो क्या करे। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें, हम समझना न चाहे तो वो क्या करे। वो तो कहता है आदत बुरी छोड़ दो, हम बदलना न चाहे तो वो क्या करे। वो तो अंदर से समझा रहा है हमें। बहुत सुंदर जी, आनंद आ गया। बड़े दिनों बाद आपकी मीठी मीठी आवाज सुनी। अब मैं एक भजन के लिए आमंत्रित करता हूँ श्रीमती किरण सहगल जी, आर्यसभा में जाएगा विस्तार से, फिर आचार्य विजय भूषण जी का उद्बोधन, उसके बाद बिंदुमदान जी, ईश्वर देवी जी, रजनी गोयल जी, अज्जू बजाज जी, सबको मौका मिलेगा। अब मैं किरण सहगल जी से प्रार्थना करता हूँ, आए आए एक भजन के लिए। सुनीता बुग्गा जी आ गए, स्वागत है। उषा मलिक जी का स्वागत, यशवीर आर्य जी का भी स्वागत है। किरण जी किरण सहगल जी आ रहे हैं।
चलो फिर तब तक ईश्वर देवी जी अलवर से एक भजन सुना दे। माता ईश्वर देवी जी, किरण जी बाद में बोलेंगे। ईश्वर देवी जी अलवर से स्वागत। नमस्ते जी, आवाज आ रही है? आ रही है, जा रही है, स्वागत। सब छोड़ कर सहारे प्रभु का तुले सहारा, प्रभु के सिवा जगत में कोई नहीं हमारा। सब छोड़ कर सहारे प्रभु का तुले सहारा, प्रभु के सिवा जगत में कोई नहीं हमारा। दुनिया की चीजें फानी, इनसे न नेह लगा तू, कर इस्तेमाल बेशक पर मन को ना फंसा तू। दुनिया की चीजें फानी, इनसे न नेह लगा तू, कर इस्तेमाल बेशक पर मन को ना फंसा तू। कर तन से जग के धंधे, पर मन को रख तू न्यारा, प्रभु के सिवा जगत में कोई नहीं हमारा। सब छोड़ कर सहारे प्रभु का तुले सहारा, प्रभु के सिवा जगत में कोई नहीं हमारा। जितने हैं रिश्ते नाते, उन सब से प्यार कर तू, पर इन संबंधियों पर मत निसार कर तू। जितने हैं रिश्ते नाते, इन सब से प्यार कर तू, पर इन संबंधियों पर मत निसार कर तू। दिल अपना उसको दे दे, जिसका है ये पसारा, प्रभु के सिवा जगत में कोई नहीं हमारा। सब छोड़ कर सहारे प्रभु का तुले सहारा, प्रभु के सिवा जगत में कोई नहीं हमारा। कर उसके तू हवाले, जिंदगी की अपनी नैया, कर देगा पार भव से नैया का वो किवैया। कर उसके तू हवाले, जिंदगी की अपनी नैया, कर देगा पार भव से नैया का वो किवैया। बन जा उसी का सेवक, चमके तेरा सितारा, प्रभु के सिवा जगत में कोई नहीं हमारा। सब छोड़ कर सहारे प्रभु का तुले सहारा, प्रभु के सिवा जगत में कोई नहीं हमारा। इस तेरी जिंदगी का कोई नहीं भरोसा,
ना जाने किस घड़ी ये दे जाए तुमको धोखा, इस तेरी जिंदगी का कोई नहीं भरोसा, ना जाने किस घड़ी ये दे जाए तुमको धोखा। चंद श्वासों पे टिका है मिट्टी का ये मीनारा, प्रभु के सिवा कोई नहीं हमारा, सब छोड़ कर सहारे प्रभु का तुले सहारा, प्रभु के सिवा जगत में कोई नहीं हमारा। धन्यवाद माता ईश्वर देवी जी। अलवर से अब मैं आदर्श मेहता जी का स्वागत करता हूँ। अंजू बजाज जी जुड़ चुकी हैं। जयपुर से अर्जुन कालरा जी, विदु मदान जी, चंद्रकांता कबीर जी, देवेंद्र गुप्ता जी, डॉक्टर सुषमा जी, इंदु मेहता जी, जनक अरोड़ा जी पानीपत से, कीर्ति नगर से चित्र खरबंदा जी, रोडी से कल्पना सोगे जी, कमलेश आर्य जी, किरण सहगल जी, मुरादाबाद से कुसुम जी, नरेंद्र सुमन जी, निर्मल वधवा जी, पुष्पा जी हापुड़ से, रजेंद्र मित्तल जी, रविदेव गुप्ता जी, आर्य समाज सप्तरजन के प्रधान, साधना मित्तल जी, संगीत आर्य जी, शकुंतला मेहता जी, सुमन ब्रह्मानी जी, रोहनी से सुदेश डोगरा जी, वीर आर्य जी, विजय भाटिया जी, सुरेंद्र बुद्धि राजा जी, सुरेश केठी जी, यशवीर जी, स्वागत करता हूँ। हमें आचार्य विजय भूषण आर्य जी, आज के मुख्य वक्ता, वैदिक सिद्धांत सर्वोपरि, उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और आज के अध्यक्ष श्री शरद त्यागी जी का भी अभिनंदन करता हूँ। विजय भूषण जी, अपना उद्बोधन 30 और 40 मिनट के बीच में, उसके बाद शरद त्यागी जी। आइए विजय जी, स्वागत है। आवाज आ रही है जी? आ रही है जी। ओम शांति
शांते शांते। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष समादरणीय श्री शरद त्यागी जी, संस्थापक पंडित प्रकाशवीर शास्त्री मेमोरियल ट्रस्ट, केंद्रीय आर्यवर्ग परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल आर्य जी, सम्माननीय देवेंद्र आर्य जी, हमारे बड़े भ्राता समान संगीत सम्राट श्री नरेंद्र आर्यसुमन जी एवं उपस्थित सभी मान्य श्रोतागण, जैसा कि आप सभी जानते हैं आज का जो विषय है जी, फुल करती मैंने माइक ऑन ना करें। आज का जो विषय है वैदिक मान्यताएं सर्वोपरि, इस पर हम चिंतन करने के लिए यहां उपस्थित हैं। जब हम सर्वोपरि शब्द को ध्यान से सुनते हैं समझते हैं तो इसका एक साधारण सार तो ये निकलता है सर्व उपरि, सबसे ऊपर। और जब हम ये कह रहे हैं कि हमारी मान्यताएं वैदिक मान्यताएं सबसे ऊपर हैं तो हम किस मामले में सबसे अच्छे हैं? जैसे एक बच्चे को जब हम कक्षा में देखते हैं वो प्रथम स्थान लेता है, फर्स्ट आता है क्लास में, तब हम उसको कहते हैं ये सबसे ऊपर है ये बच्चा। लेकिन इसके बावजूद उसके जीवन पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो ये भी विचार करना होता है कि ये किस बात में अच्छा है। विद्यालय में तो पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन यहां जब उसका व्यक्तिगत जीवन देखते हैं तो वो कहां अच्छा है, ये बात भी हमें देखनी आवश्यक है। तो आज हम इस बात पर विचार करेंगे। तो आइए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। इस थोड़ा सा पीछे चलने का अर्थ वास्तव में बहुत बहुत पीछे जाना है। कुछ शताब्दियों से या सहस्राब्दियों से इससे बात नहीं बनेगी, बल्कि हमें वहां तक जाना होगा जहां से सृष्टि का प्रारंभ होता है, अर्थात 1,96,08,53,121 वर्ष पूर्व। इतना पीछे जाना पड़ेगा हमें इस बात को ठीक से समझने के लिए। क्या हुआ था उस समय? सृष्टि का जब प्रारंभ हुआ तो ईश्वर ने सर्वप्रथम चार ऋषियों को एक एक वेद का ज्ञान प्रदान किया। ऋषियों के नाम भी अगर कहें तो अच्छी बात होगी। अग्नि ऋषि हैं, वायु ऋषि, आदित्य ऋषि और अंगिरा ऋषि। इन चारों ऋषियों को क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान ईश्वर ने प्रदान किया। अब हम जब इन वेद के मंत्रों को पढ़ते हैं तो मात्र ऐसा नहीं है कि हम केवल वेद के मंत्रों को पढ़ते हैं, उसके अंदर उनका अलग अलग विषय है। जब ऋग्वेद को पढ़ते हैं तो उसका मुख्य विषय होता है ज्ञान, यजुर्वेद को जब पढ़ते हैं तो उसका विषय है कर्मकांड, सामवेद के मंत्रों से हमें उपासना का मुख्य रूप से सीखने का ईश्वर द्वारा जो प्रदत्त ज्ञान है वो प्राप्त होता है, और चौथा जो अथर्व वेद है उसका विषय है विज्ञान जो अंगिरा ऋषि को प्राप्त हुआ। ये ज्ञान ईश्वर ने इन ऋषियों को इसलिए दिया कि मैं संसार के प्रत्येक मनुष्य के लिए वो ज्ञान दे रहा हूं जिसके माध्यम से वो अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करेगा। जो लोग संध्या करते हैं वो अंत में एक प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर दया निधे भवत कृपया नेन
जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर भवेन्नः। ईश्वर द्वारा जो ये प्रदत्त ज्ञान है ये इसलिए दिया गया कि हम प्रत्येक मनुष्य जो इस संसार में होंगे धर्म अर्थ काम और इसके पश्चात जो उसके जीवन का परम लक्ष्य है मोक्ष को वो प्राप्त कर सके। हम सर्वोपरि किस बात से कहलाना चाहते हैं? सबसे बड़ी मनुष्य की एक योग्यता है कि वो बोलता है, सुनता है, समझता है, विचार करता है और अच्छे कर्म करने में और ईश्वर की आज्ञा पालन करने में स्वतंत्र होता है। एक दिन मैंने विद्यालय में बच्चों से ये एक बात पूछी। मैंने कहा बेटा लगता तो ऐसा होगा आपको कि ये बहुत सीधा सीधा सा प्रश्न है, लेकिन इस बात का जब आप उत्तर देंगे तो जल्दबाजी में उत्तर ना दें, बड़ा सोच समझ कर उत्तर देना। बच्चे सावधान होकर के बैठ गए, कहने लगे पूछें। मैंने कहा बेटा मुझे इतना बताओ मनुष्य ने बोलना किससे सीखा? एक बच्चे ने तुरंत हाथ खड़ा किया। उस बच्चे ने कहा सर आपने कैसा छोटा सा एक इतना छोटा सा प्रश्न कर दिया, ये तो हर बच्चा जानता है। मैंने कहा मैंने जो प्रश्न किया उसको ध्यान से सुना था? कहले हाँ सुना था। मैंने कहा बताओ क्या प्रश्न क्या था? तो बच्चे ने जवाब दिया आपने सर ये पूछा है मनुष्य ने बोलना किससे सीखा। मैंने कहा बताओ अब उत्तर दो। बच्चे ने जवाब दिया अपनी माँ से। मैंने कहा बेटा मैंने ये नहीं पूछा था कि तुमने बोलना कहां से सीखा, मेरा प्रश्न था मनुष्य ने बोलना कहां से सीखा। एक बच्चे ने और हाथ खड़ा किया, वो कहने लगा सर मैं बताऊं? मैं कहा तुम बताओ। उसने जो आज बच्चों को पुस्तकों में पढ़ाया जाता है उसने वो पढ़ा था और उसने जवाब दिया हम बंदर से बने हैं इसलिए बंदर से सीखा। तो मैंने तुरंत प्रश्न किया बेटा ये बताओ क्या बंदर बोलता है? अब वो सोच में पड़ गया, विचार करने लगा कि बंदर से कह तो दिया मैंने कि हमने बंदर से बोलना सीखा। उसे समझ आ गया कि उसका उत्तर ये ठीक नहीं है। एक और बच्चे ने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा तुम बताओ। वो कहने लगा सर हमने बोलना सीखा है प्रकृति से। मैंने कहा बेटा प्रकृति का मतलब समझाओ। कहने लगा सर संसार में दिखाई दे रहे हैं पेड़ हैं, पौधे हैं, हवा है, पानी है, सूरज है, ये सब पेड़, ये सब प्रकृति है, इससे सीखा। मैंने उस बच्चे से भी पूछा अच्छा ये बताओ ये जो जिसका नाम तुमने लिया ये बोलते हैं? उसको भी विचार करना पड़ा। कहने लगा सर बोलते तो नहीं है। तो मैंने फिर उससे पूछा जब ये बोलते नहीं तो इन्होंने हमें कैसे सिखा दिया? अब सब बच्चे ध्यान पूर्वक सुनने की इच्छा कर रहे थे कि सर बताएंगे अब इसका असली उत्तर। ये तो बोलता नहीं, इनमें से कोई बंदर नहीं बोलता, पशु पक्षी नहीं बोलते, प्रकृति नहीं बोलती, हमने माँ से सीखा। तो माँ से पीछे उसने कहाँ से सीखा? तो उत्तर आएगा उसने अपनी माँ से सीखा। लेकिन हमें बिल्कुल पीछे चलते जाना पड़ेगा और अंत में कहाँ पहुंचेंगे, जो मैंने शुरू में कहा था सृष्टि का प्रारंभ आ जाएगा, वहां इस बात का उत्तर हमारे सामने आएगा कि मनुष्य ने बोलना किससे सीखा। जैसे ईश्वर ने इन चार ऋषियों को एक एक वेद का ज्ञान प्रदान किया, इसी प्रकार से ईश्वर ने इनको बोलना भी सिखाया। एक बच्चा फिर खड़ा हो गया, कहने लगा सर आपने एक दिन हमारी क्लास में आकर हमें ये समझाया था, आपने ईश्वर के बारे में समझाते हुए कहा था कि आपने कहा था कि वेद मंत्र में लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, ईश्वर की शक्ल नहीं होती। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है मैंने ये कहा था। अब बच्चा कहने लगा जब ईश्वर की शक्ल नहीं होती तो उसने बोला कैसे, कैसे सिखाया? मैंने कहा ठेको बेटा मैं अभी बताता हूं, तुम ये बताओ तुम्हारा नाम है उज्जवल, मुझे ये बताओ बेटा उज्जवल जब तुम छुट्टी हो जाती है और अपने घर जाने लगते हो तो क्या तुम ये वाक्य बोलते हो उस समय कि उज्जवल खड़ा हो चल अपने घर, कैसा बोलते हो? कहने लगा नहीं सर मैं ऐसा नहीं बोलता। मैंने कहा कोई भी बच्चा ऐसा नहीं बोलता। मैंने कहा क्यों, क्यों नहीं बोलता कोई भी बच्चा? कहने लगा जी जो अपने आप से ही व्यवहार होना हो उसके लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती है,
शब्द किसके लिए होते हैं? दूसरों के लिए। जब दूसरों के लिए शब्द होते हैं, अपने लिए शब्द नहीं होते। अपने आप से कार्य हो तो अंदर ही अंदर अपने आप से बात हो जाती है, वहां शब्द बोलने नहीं पड़ते। तो मैंने कहा बेटा वास्तव में मैंने तुम्हें इस बात का उत्तर दे दिया, लेकिन तुम समझ नहीं पाए होगे अभी। कहना ठीक है सर, वाकई हम समझ नहीं पाए, आपने कहां दिया इसका उत्तर? मैंने पूछा ये बताओ बेटा ईश्वर कहां रहता है? कहने लगा हमने सुना है, मैं पता तो नहीं है, सुना यह है कि सब जगह रहता है। तो मैंने कहा बस यही तो इस बात का उत्तर है, जो ईश्वर हमारे आत्मा के अंदर, हमारे सब संसार के जितने भी पदार्थ हैं उनके अंदर विद्यमान है। तो सृष्टि के प्रारंभ में जब वो ईश्वर इन ऋषियों को वेद का ज्ञान प्रदान करता है तो उनके आत्मा के अंदर तो बोलता है, उनको बोलना सिखाता है। वहां पर उसको जैसे मैं बोल रहा हूं और मेरे सामने जो बैठा है वो सुन रहा है, इस प्रकार से शकल या शरीर धारण करने की आवश्यकता वहां नहीं होती। हमारी ये मान्यता सर्वोपरि कैसे हो गई? ये इसलिए ऐसी हो गई क्योंकि हम सबसे पहली विशेष बात रखते हैं कि हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं, ईश्वर को मानते हैं, जो संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। क्या हम ये कह सकते हैं कि इस समुद्र को मैंने बनाया, इस धरती को मैंने बनाया, इस चांद और इस सितारों को मैंने बनाया? चाहे कोई कितना ही बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो वो भी, और कोई कितना ही धनवान हो, कोई कितना ही बलवान हो, कोई कितना ही बुद्धिमान हो, वो ये बात नहीं कह सकता इन पदार्थों को मैंने बनाया। क्यों? क्योंकि जब ये पदार्थ बने थे वो तो उपस्थित ही नहीं था यहां पर। इन पांच तत्वों को हम निर्माण नहीं कर सकते, बल्कि यूं कहना चाहिए इन पांच तत्वों से हमारा शरीर बनता है। किसने बनाया फिर? इन पांच तत्वों का निर्माण करने वाला कौन है? यही है हमारा सबसे बड़ा सिद्धांत, सर्वोपरि सिद्धांत। हम ईश्वर, आत्मा और प्रकृति अर्थात त्रैतवाद को मानते हैं। हम उन लोगों में से नहीं है जो ये कहते हैं कि दो चीजें होती हैं बस। बताइए कौन कौन सी होती हैं दो? एक ईश्वर होता है और एक आत्मा होता है। जो ऐसा कहते हैं उनसे पूछना पड़ेगा कि ईश्वर की परिभाषा भी बतानी पड़ेगी, आत्मा की परिभाषा भी बतानी पड़ेगी। और ये जो सामने दीवार है, ये जो हाथ में घड़ी पहनते हैं, ये जो लैपटॉप हमारे सामने है, ये क्या है फिर? इसका नाम आत्मा रखेंगे क्या? तो आत्मा के पहले प्रश्न लगेंगे आपके सामने कि इसकी परिभाषा बताइए। तो उनकी बात इस बात को सिद्ध नहीं कर पाएगी कि ये आत्मा है या ये परमात्मा है। इनमें से जो चीज मैंने अभी गिनाई है, ना इनमें कोई आत्मा और ये परमात्मा भी नहीं। क्या है ये? तीसरी चीज है ये, इसका नाम है प्रकृति। इसके आगे वाले भी हैं कुछ लोग, वे कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और कुछ नहीं है संसार में, केवल ब्रह्म है, केवल ईश्वर है और कुछ भी नहीं है। तो फिर हम पैदा हुए हैं, हमारा जन्म हुआ है, हमें सुख भी होता है, कभी कभी दुख होता है, कभी भूख लगती है, कभी प्यास लगती है, सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, ये सारे द्वंद्व हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन ईश्वर की परिभाषा में तो वहां ऐसा नहीं लिखा, वहां तो ऐसा लिखा है क्लेश कर्म विपाकाशही परामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। ईश्वर कौन होता है? जो क्लेश और कर्म फल से हमेशा मुक्त होता है, जो रत्ती भर भी, इतना सा भी, छोटा सा भी दुख नहीं प्राप्त करता, वो कैसा होता है? सच्चिद आनंद स्वरूप होता है। ये है हमारी सबसे बड़ी मान्यता, त्रैतवाद। हम तीन इन सिद्धांतों को जब मानते हैं, ईश्वर सबसे बड़ी सत्ता है, आत्मा वो भी ज्ञानवान है उससे छोटी सत्ता है, और प्रकृति सबसे बाद में इसका नंबर आता है क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है, उसके पास बुद्धि नहीं। और हमारी कौन सी ऐसी मान्यता है जिससे हम अपने आप को कहें हमारी मान्यता सबसे ऊंची है? हमारी मान्यता है आश्रम व्यवस्था। हम आश्रमों की बात करते हैं, चार आश्रम होते हैं, सब जानते हैं इसको, जो आर्य समाज से वेदों के ज्ञान से युक्त हैं वो जानते हैं कि सबसे पहले 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन, और इसमें विद्यार्थी बन करके
जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें विद्या को ग्रहण करना होता है और अगले जीवन की तैयारी करनी होती है, पूर्ण पुरुषार्थ करना होता है, शारीरिक निर्माण करना होता है और आत्मिक निर्माण भी करना होता है। यह है ब्रह्मचर्य आश्रम पहला आश्रम। इसके बाद क्या होता है, दूसरा आश्रम जिसका नाम होता है गृहस्थ आश्रम। यहां क्या होता है, वो ब्रह्मचारी घर आकर, क्योंकि पहले तो व्यवस्था गुरुकुल की होती थी, अब तो बात नहीं, अब तो घर से ही स्कूल जाता है, घर से ही कॉलेज जाता है, वापस लौट के आता है, हर बात से युक्त होता है, सारी दुनिया की हर बात उसे पता होती है। पहले ये व्यवस्था नहीं थी, पहले थी गुरुकुल व्यवस्था, जहां वो केवल एक काम करता था मुख्य रूप से, कि उसको विद्या अध्ययन करना है, उसको योग्य बनना है, उसको सीखना है, जीवन में जो कुछ आगे द्वंद्व आने वाले हैं उनको सहन करना, ये उसको तपस्या करना, ये वहां गुरुकुल में वो सीखता था। इस ब्रह्मचर्य आश्रम को पूर्ण करने के बाद 26वें वर्ष से वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, और इसकी अवधि कहां तक थी, 50 वर्ष तक। क्योंकि हमारी आश्रम व्यवस्था में जो हम जीवेम शरदः शतम कहते हैं, तो इसका मतलब चार भागों में इसको बांट करके हमें कहा गया कि 25-25 वर्ष के ये चार भाग हैं, इसके अनुसार अपने जीवन का आप कार्यक्रम बनाए। 50 वर्ष के बाद फिर कौन सा आश्रम है, फिर है वानप्रस्थ। क्या करना होता है वानप्रस्थ में, जो विद्या पढ़ी थी ब्रह्मचर्य काल में, उस विद्या को जो 25 वर्ष बीच में आ गए, उस विद्या से हम उतना साथ नहीं जुड़ पाए, हम कमाने धमाने लगे, अपने परिवार का पालन पोषण करने लगे, हम वानप्रस्थ में आकर फिर उस विद्या को दोबारा से अपने अंदर आत्मसात करने का प्रयास करते हैं, उसे दोबारा कोशिश करते हैं, हमें सब कुछ दोबारा से अच्छे से वो बात याद आ जाए। और इसके बाद चौथा आश्रम होता है जिसका नाम है संन्यास आश्रम। जो योग्यता इसने वानप्रस्थ आश्रम में अपनी बढ़ा ली, 25 वर्ष तक का वानप्रस्थ आश्रम था, इतने वर्ष उसने बहुत अभ्यास किया, अच्छे से पढ़ा, हर बात को दोबारा से समझा, कुछ बातों को गृहस्थ में भूल गया, छोड़ चुका था, उसने दोबारा उसको अपने जीवन में धारण किया और इतना योग्य बन गया कि अब वो संन्यास लेकर सबके कल्याण के लिए अपने घर बार को छोड़कर चल दिया। ये हमारी है आश्रम व्यवस्था, जो चार आश्रमों में चार विभाग में बांटा गया, और अंत में जो मंत्र समाप्त होता है यहां पर, ओम तत्चक्षुर्दे वहितम, शरदः शतात् पर आकर के बात समाप्त होती है। ये नहीं है कि 100 साल का ठेका ही है, अगर हम अपने जीवन को नियमित चलाएंगे, नियम पूर्वक चलाएंगे और 100 वर्ष से अधिक भी जाएंगे, तो 100 वर्ष से अधिक जाते हुए भी संसार के कल्याण के निमित्त अपने ज्ञान से उनको लाभ प्राप्त कराते रहे। हमारी मान्यता क्या है, जिसको हम कह रहे हैं हमारी मान्यता सर्वोपरि है, हम पंच महायज्ञों में विश्वास करते हैं। ब्रह्म यज्ञ, जो जहां से प्रारंभ हुई थी बात, ईश्वर को मानते हैं, आस्तिक हैं, पर केवल मान करके छोड़ नहीं देते, बल्कि प्रतिदिन, पंच महायज्ञ का अर्थ क्या है, प्रतिदिन करने होते हैं। जो ब्रह्म यज्ञ, सबसे पहले उठते ही प्रातःकाल ईश्वर का धन्यवाद करना, संध्या करना, वेदों का स्वाध्याय करना, इसका नाम है ब्रह्म यज्ञ। बहुत लंबी लंबी बात नहीं कर रहा हूं मैं जानबूझकर, क्योंकि समय की सीमा भी है मेरे सामने, तो इसलिए मैं छोटी छोटी बात करते ही आगे बढ़ रहा हूं। इसके बाद होगा देव यज्ञ, अर्थात यज्ञ करना, जिसको आप हवन कहते हैं। कब करना चाहिए, पूछा किसी ने, कब करना चाहिए, इसका उत्तर देव पूछ लिया, भोजन कब करते हो, कि भोजन तो रोज करते हैं, कितनी बार, कि 2 बार तो अच्छा भोजन करते हैं, 1 बार नाश्ता भी करते हैं, शाम को चाय भी पी लेते। भोजन करना जैसे हमारे लिए आवश्यक है, ठीक इसी प्रकार से देव यज्ञ करना, हवन करना, उसमें जड़ी बूटियों की आहुति डालना, शुद्ध घी सामग्री डालना, ये सब करना भी उतना ही अनिवार्य है जितना अनिवार्य भोजन करना है। तीसरा क्या है, पितृयज्ञ। पितृयज्ञ का अर्थ, जो हमारे माता पिता हैं, बड़े हैं, उनकी सेवा करना, शुश्रूषा करना,
चौथा क्या है? बलि वैश्व देवयच। हमारे से भिन्न जितने प्राणी हैं संसार में उनके लिए क्या करना चाहिए हमें? उनको हम जीवित रखें, मारे नहीं। एक तो उनको भोजन देना, उनके जीवन की रक्षा करना, इसका नाम है बलि वैश्वदेव यज्ञ। और पांचवा है अतिथि यज्ञ, जो हमारे घर पर बिना बताए, बिना तिथि के, बिना कोई पूर्व सूचना के विद्वान, महात्मा, सन्यासी, गुणी, कोई ऐसा व्यक्ति जब आ जाता है बिना पूर्व सूचना के, बिना तिथि के, और हम उसका स्वागत करते हैं, भोजन आदि से उसको तृप्त करते हैं, और उसके पश्चात वो विद्वान भी उस परिवार में उस गृहस्थी को अपने सद उपदेश के द्वारा उनके जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है, इसका नाम होता है अतिथि यज्ञ। हमने ऐसी कोई बात नहीं इसमें छोड़ी है, सारी बातें इसमें जोड़ ली कि हम ईश्वर को मानेंगे, हम वातावरण को शुद्ध करेंगे, अपने माता पिता और बड़ों की सेवा करेंगे, और पशु पक्षियों का ध्यान रखेंगे, उनको मारेंगे नहीं, उनको खा नहीं जाएंगे, बल्कि उनका पोषण करेंगे और विद्वानों का सत्कार करेंगे। हमने सारी बातों को समेटा, सारी बात अच्छी बातों को जीवन में धारण करने की बात की। इसलिए हमारा सिद्धांत क्या है? ये बहुत ऊंचा सिद्धांत है जिसको हम सर्वोपरि कह रहे हैं। हम अपने आप को कौन सा धर्म का मानने वाला कहते हैं? हम कहते हैं हम वैदिक धर्मी हैं, हम वेदों को मानने वाले हैं। लेकिन जब हम धर्म शब्द की बात करते हैं तो और लोग भी कहते हैं तुम वैदिक धर्मी हो, हम सनातन धर्मी हैं, हम मुस्लिम धर्म वाले हैं, हम ईसाई धर्म वाले हैं, हम सिख धर्म वाले हैं। सब लोग अपने अपने उस मत के साथ धर्म शब्द का प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं हमारा धर्म है। तो मैंने कहा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि धर्म शब्द का पहले तो हमें अर्थ आना चाहिए कि धर्म कहते किसे। बहुत छोटी सी सरल सी परिभाषा है इसकी, धार्यते इति धर्मः, जो सबके कल्याण के लिए धारण किया जाए वो धर्म। और मनुस्मृति में मनुजी महाराज ने इसकी परिभाषा दी है एक श्लोक के माध्यम से, धृते ही क्षमा दमोस्तेयम शौच मिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। उन्हें धर्म के लक्षण गिना दिए। यदि आप अपने आप को ये कहते हैं कि मैं धर्म का पालन करता हूं, मैं धार्मिक हूं, तो इन धर्म के लक्षणों का यदि आप पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आप धार्मिक हैं, आप धर्म का पालन करने वाले हैं, और आप वास्तविक ये कह सकते हैं कि मेरा ये धर्म है। लेकिन जिनका मैंने अभी नाम लिया था वो क्या है? वो है मत, मतांतर, विचारधाराएं, क्योंकि वो अपने एक समुदाय विशेष के लिए बात कहते हैं, सबके कल्याण की बात नहीं कहते। और हमारी क्या विशेषता, हम किस बात में सर्वोपरि हैं? हमारा वैदिक सिद्धांत ये कहता है, हमारी ये मान्यता कहती है, हम किसको मानते हैं? ईश्वर को मानते हैं। अगला शब्द जो बोलूंगा उसमें आप चौंकिएगा नहीं, हम जो जन्म ले लेता है उसको ईश्वर का अवतार नहीं मानते। पूछा गया क्यों नहीं मानते? इसलिए नहीं मानते क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है। ओम ईशा वास्यम इदम सर्वम, जब सब जगह मौजूद है तो फिर आएगा कहां पर? अगर आप फिर भी ये कहें कि वो आ जाता है, फिर हम प्रश्न करेंगे, प्रश्न ये करेंगे कि पूरा का पूरा आ जाता है या थोड़ा सा आता है? उन्होंने कहा जी वो जब जन्म लेता है तो वहां पर थोड़ा सा आ जाता है, तो इसका मतलब तो आपने टुकड़े कर दिए उसके। और ईश्वर के तो टुकड़े नहीं होते, आत्मा के ही टुकड़े नहीं होते, तो परमात्मा के टुकड़े कैसे हो जाएंगे? और फिर जब वो जन्म लेगा तो जन्म लेने का एक अंतिम अर्थ जरूर होता है। क्या होता है? वो होता है मृत्यु। जो जन्म लेगा उसको मृत्यु जरूर वरण करना पड़ेगा।
जैसे मैंने प्रारंभ में कहा था बच्चों से बात करते हुए, तो ये वाली बात भी एक दिन मैंने की। मैंने कहा बेटा मुझे एक बात पूछनी है, तुम कहते हो कि अवतार लिया था ईश्वर ने, उन्होंने राम का नाम लिया, बच्चे ने बकायदा कहा, तो मैंने कहा वो ईश्वर का अवतार थे। कहने लगा हाँ। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, जब सीता चुरा ली गई और उस समय राम बन बन भटक रहे थे, पूछ रहे थे इधर उधर सबसे, तो ये बताओ वो जब स्वयं ईश्वर थे तो किसी से पूछ क्यों रहे थे? बच्चे ने क्या जवाब दिया, मैं तो सुनकर के ऐसा लगा कि मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई। कहने लगा सर बात यह है, उनको सब कुछ पता था। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा उनको सब कुछ पता था तो फिर पूछ क्यों रहे थे और हनुमान को उन्होंने कहां कहां नहीं दौड़ाया? बच्चा कहता है सर उनको सब कुछ पता था, वो लीला कर रहे थे। मैंने कहा अच्छा लीला कर रहे थे, तो बेटा मुझे तो ये लगता है कि जो हमारे बड़े करते हो वो काम हमें भी करना चाहिए, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। तो एक काम करना बेटा फिर आज, मैं कहा जब तुम्हारे स्कूल से छुट्टी होगी तुम घर जाओगे, तुम बस से जाते हो स्कूल बस से, वो जहां तुम्हें सड़क पर जहां उतारेगी उसके बाद तो तुम पैदल जाते हो थोड़ी दूर तक, तब तुम्हारी गली आ जाती है, तुम मुड़ते हो और अपने घर तक चले जाते हो। तो आज एक काम करना। मतलब बताइए सर क्या करना? मैं कहा जब तुम बस से उतर जाओगे और घड़ी गली के मोड़ तक पहुंचोगे तो वहां पर वो दुकान है ना जहां से तुम अपना सामान लेते हो, रोज दूध लेते हो, बिस्किट लेते हो, बहुत सारे सामान वहां से तुम्हें मिल जाते हैं। कहले हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे घर के पास ही वो दुकान है। मैंने कहा एक काम करना, आज घर मत जाना और उस दुकान पर जाना सीधे, और उस दुकान पर जाकर के जो अंकल होंगे ना उनसे पूछना। क्या पूछना है सर? उनसे ये कहना कि अंकल अंकल मुझे ये बताओ मेरा घर कहाँ है। कहने लगा सर ये क्यों? मैं कहा जो मैं कह रहा हूं वो करना जरा। अंकल अंकल ये मेरा घर कहाँ है ये पूछना। और मैंने कहा भी तुम पूछो या ना पूछो मैं तुम्हें आगे की बात बता देता हूं होगा क्या। जब तुम जाकर के अंकल से ये बात कहोगे ना कि अंकल अंकल मेरा घर कहाँ है, तो अंकल तुझे एक बार तो माथे पर हाथ लगा के देखेंगे कि भाई आज बुखार उखार तो नहीं है, तबीयत तो ठीक है इस बच्चे की, ये रोज तो आता है मेरे पास, अपने घर से ही तो आता है सामान लेने के लिए, और आज बच्चा मुझे क्या बोल रहा है अंकल अंकल मेरा घर कहाँ है। और तुम दूसरी बार तीसरी बार जब पूछोगे ना तो फिर वो तुम्हें नीचे से ऊपर तक देखेंगे और तुमसे एक बात पूछेंगे बड़े प्यार से कि बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक है, और तुम जवाब देना हाँ ठीक है। फिर वो पूछेंगे बेटा तुझे तेरा घर पता नहीं है क्या, और तुम जवाब देना हाँ हाँ पता है अंकल बिल्कुल पता है। तो फिर पूछ क्यों रहा है मेरे से? अब तुम कहना मैं लीला कर रहा हूं, और तुम्हारी सारी लीला उसी समय निकाल देंगे। ईश्वर का जो अर्थ है जो हमारे वेद शास्त्रों में लिखा है वो सब जगह मौजूद है, उसके जितने गुणों को हम कह सकते हो हमारी वाणी थक जाएगी और उसके गुण समाप्त नहीं होंगे, इतने गुण है वहां पर, अनंत गुण। और आर्य समाज के दूसरे नियम में महर्षि दयानंद ने हमारे को ईश्वर के बारे में जरा सा भी भ्रम न रह जाए ये समझाने का प्रयास किया था। चलिए मैं बोलता हूं आर्य समाज का दूसरा नियम, ईश्वर सच्चिद आनंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। इतनी बात कहकर के स्वामी जी ने बिल्कुल अच्छे से समझा दिया कि ईश्वर किसको कहना। अब जितने भी आप जिनको लोग भगवान मान करके उनकी पूजा करते हैं उनसे जरा पूछ कर देखो ये विशेषण है क्या उनमें,
क्या वो सृष्टि करता है जिन्होंने शरीर धारण कर लिया, वो तो एक अंश बन गई यहां आकर, वो सृष्टि करता नहीं है, वो सर्वशक्तिमान नहीं है, वो सर्वांतर्यामी नहीं है, वो सर्वज्ञ नहीं है। उनकी योग्यता तो बिल्कुल थोड़ी सी रह गई, ये बात ठीक है कि उनकी योग्यता औरों से अधिक होती है, लेकिन इस बात का ये अर्थ नहीं है कि वो ईश्वर हो गए, वो ईश्वर नहीं हो सकते किसी भी हालत में। मैं बोलने वाला हूं वो क्या है, वो है भगवान। आप कहेंगे अभी तो आप बोल रहे थे वो भगवान नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं वो भगवान है, ईश्वर नहीं है। अब शायद एक और समस्या खड़ी हो गई होगी कि भगवान है और ईश्वर नहीं, तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें कौन सा अंतर होता है? आप प्रातः काल जागरण के जो मंत्र हैं, जिनको मंत्र आते हैं, उस मंत्र का एक छोटा सा भाग मैं बोल रहा हूं, वहां लिखा हुआ है वयम भगवंतः स्याम, हम सब भगवान बने, ये प्रार्थना हम कर सकते हैं। मनुष्य को आदेश दिया गया तुम ये पुरुषार्थ करके भगवान बनो, लेकिन ये नहीं कहा कि तुम ईश्वर बनो, ईश्वर नहीं बन सकते हम, भगवान बन सकते हैं। क्या गुण होता है भगवान के अंदर जिसकी बात कही जा रही है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य तेजसः यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव षड् भग इति अंगानाम। ये छह विशेष गुण होते हैं उनके अंदर, तब वो भगवान बन जाते हैं। लेकिन वो होते तो मनुष्य हैं, इंसान होते हैं, लेकिन इस कैटेगरी तक पहुंच जाते हैं, ये योग्यता उनमें आ जाती है, क्योंकि ये विशेष गुण वो अपने जीवन में धारण करते हैं। हम सर्वोपरि किस बात से हैं? और हम मानते हैं संस्कारों को। महर्षि दयानंद सरस्वती ने संस्कार विधि जो पुस्तक लिखी है, वो हमारे जीवन के कल्याण के निमित्त लिखी है कि आप मनुष्य जीवन धारण करने के पश्चात इसको उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त यदि करना चाहते हैं, तो आप संस्कार करते जाइए और आप जीवन की सीढ़ियां आगे बढ़ते जाइए, चढ़ते जाइए। अब कुछ वो वाली बात भी कहने वाला हूं, हम क्या नहीं मानते हैं? जो बात अभी कही, हम उनको ईश्वर नहीं मानते, भगवान अवश्य मानते हैं। हम ज्योतिष विद्या को नहीं मानते, लेकिन कौन सी ज्योतिष विद्या? जो हस्तरेखा वाली होती है, जो बैठे होते हैं सड़क के किनारे पर, हाथ को देख करके बता देते हैं हमारा भविष्य। मैं बहुत छोटा सा था, मुझे उस समय समझाया गया, उन्होंने कहा सुनो बेटा कभी इस चक्र में मत पड़ना, ये जो बैठे होते हैं सड़क के किनारे हाथ देख करके तुम्हारा भविष्य बताते हैं, एक काम करना अगर इस बात को ठीक से समझना चाहते हो तो। मैंने कहा बताओ, उन्होंने बता दिया और मैं वो काम करने के लिए चला गया। मैं चला गया उस ज्योतिषी के पास, उन्होंने कहा था डंडा लेके जाना अपने साथ, डंडा लेकर के गया। मैंने कहा ज्योतिषी जी मैं आपसे कुछ पूछने आया हूं, पूछो, क्योंकि आप भविष्य बताते हैं ना, तो मुझे ये पूछना है ये जो मेरे हाथ में डंडा है मैं तुम्हें मारूंगा कि नहीं मारूंगा, क्योंकि आप भविष्य बता सकते हैं, ये भी बताइए, ये भविष्य की बात ही तो है, अभी हुई तो नहीं है ना, भविष्य में ही होनी है, चाहे वो एक मिनट बाद हो। अगर वो कह दें कि मारोगे तो मैं नहीं मारूंगा, और यदि कह देंगे नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगा, तो कहां रही सिद्धि? इसलिए जो इस प्रकार की बात में विश्वास करते हैं कि मेरी किस्मत तो भगवान ने लिख करके भेज दी, मुझे भगवान ने ये सब लिख करके भेज दिया, अब मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मेरी किस्मत में लिखा ही हुआ है, मेरा भाग्य तो ईश्वर ने बना करके भेजा है, ये अज्ञानता की बात हम वैदिक सिद्धांत वाले नहीं मानते। हम एक ज्योतिष को मानते हैं और उसका नाम है अंक ज्योतिष। अंक ज्योतिष को मानते हैं, ये ग्रहण कब होगा, ये काल कितने लंबे समय का है, जैसे ये कौन सा काल चल रहा है, ये कलि युग का काल चल रहा है, 4,32,000 वर्ष तक चलेगा,
पूरी सृष्टि का काल कितना, प्रलय कब होती है, ये सारी जो अंक ज्योतिष है इसमें आर्य समाज विश्वास करता है। ये है हमारी वैदिक मान्यता जो सर्वोपरि है, हम आंख बंद करके किसी भी बात को स्वीकार नहीं करते। पूछा गया किसी से कि सृष्टि कैसे बनी, तो बड़ा हास्यास्पद उत्तर मिला, खुदा ने कहा कुन, कुन का अर्थ होता है बन जा, और बन गई, बोलते ही बन गई। हाँ कैसे भाई, अरे खुदा है कुछ भी कर सकता है, कि वैज्ञानिक कोई तथ्य इसमें कोई मतलब नहीं उस बात से, सिर्फ इस बात से मतलब है कि हमारी पुस्तक में लिखा है इसलिए वो ठीक है, बस कोई तर्क की गुंजाइश नहीं। किसी और से पूछा, उन्होंने इस बारे में जवाब दिया, खुदा ने छठे दिन सूरज को बनाया। सुनते ही बड़ी हंसी आ गई, खुदा ने छठे दिन सूरज को बनाया, अरे भाई ये तो बताओ, ये सूरज ही नहीं था तो छठा दिन कहां से आ गया, कैसे गिना, कौन सी चीज थी जिससे छठा दिन गिन सके। किसी ने कहा धरती है चौरस, किसी ने कहा धरती है बैल के सींगों पर, किसी ने कहा शेषनाग पर है, सब अवैधिक बातें हैं। शेष नाग पर धरती नहीं है, मंत्र का छोटा सा भाग है जिसका अर्थ नहीं अनर्थ कर दिया गया, लिखा है वहां वेद में ही लिखा है, ये शेषा धारा पृथ्वी, शेष के आधार पृथ्वी है, लेकिन शेष का अर्थ यहां शेष नाग नहीं है, क्योंकि जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो ये प्रश्न खड़ा कर देगा, अगर एक सेकंड के लिए मान भी लें कि शेष नाग ने पृथ्वी को संभाल रखा है तो शेष नाग खुद कहां है। और जो ये कहता है बैल ने धारण कर रखा है, उक्षा दाधार पृथ्वी मुतद्याम, कि बैल के सींगों पर ये पृथ्वी उसने धारण कर रखा है, प्रश्न वहीं का वहीं आएगा कि बैल फिर खुद कहां पर है, और ऐसा कौन सा बैल हो गया जो पैदा तो हो गया मरा नहीं आज तक। उक्षा माने सूर्य होता है, उक्षा माने बैल भी होता है, लेकिन अर्थ नहीं समझ पाने के कारण अनर्थ कर दिया गया। उक्षा दाधार पृथ्वी का अर्थ था सूर्य, इसकी आकर्षण शक्ति से पृथ्वी अपने स्थान पर ठीक स्थान पर टिकी हुई घूम रही है, टिकी हुई का मतलब खड़ी नहीं है घूम रही है। एक थ्योरी है जो बच्चों को अभी भी पढ़ाई जाती है, विकासवाद का सिद्धांत, कहां से कहानी शुरू करते हैं, एक था छोटे से सेल वाला प्राणी अमीबा, और उसे परिवर्तन हुआ, दो सेल वाला बना, और आगे परिवर्तन हुआ, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और कहां पहुंचा जाके बाद बंदर से अंत में इंसान बन गया। ये थ्योरी, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, विकासवाद का सिद्धांत। वैदिक मान्यता ये नहीं है, जब ईश्वर इस सृष्टि के इतने बड़े बड़े जैसे सूर्य और इससे भी लाखों गुना बड़े चंद्र तारे और हैं, अनगिनत गैलेक्सीज हैं, इन सब का निर्माण जब वो कर सकता है तो बताइए क्या वो मनुष्य का निर्माण नहीं कर सकता। और इस सिद्धांत को मानने पर कि परिवर्तन होते होते हम बन गए, तो क्या अर्थ निकलेगा कि कर्म की कोई बात ही नहीं है बीच में, क्योंकि परिवर्तन होते होते मनुष्य बन जाएगा, कर्म का अर्थ समाप्त हो जाएगा, कर्म फिलॉसफी फेल हो जाएगी यहां पर, फिर तो कोई अच्छा और कोई बुरा कर्म होगा ही नहीं, क्योंकि परिवर्तन तो होते होते सब मनुष्य बन जाएंगे। इसलिए ये वैदिक ज्ञान नहीं है, ये हमारी मान्यता नहीं है। हमारी मान्यता सर्वोपरि है कि ईश्वर की योग्यता, उसने जो जीव ने जैसा कर्म किया उसके आधार पर उसने उसको उस योनि में भेजा। हम मनुष्य योनि में बैठे हैं, हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, और जो बाकी योनियां हैं मनुष्य से इतर योनियां,
सुनने में तो सुनते हैं हम 84 लाख योनियां, शायद किसी ने गिनी नहीं होंगी, लेकिन वो चाहे जितनी भी हो उसमें वो सब जीव क्या करने आते हैं, वो मात्र भोग भोगने आते हैं। और मनुष्य जब आता है तो उभय योनि में आता है, अपने द्वारा किए गए जो उसके कर्म हैं उसके फलों को भी भोगता है और साथ साथ वो नए कर्म भी करता है। ये इसकी विशेष योग्यता है। हम भूत प्रेत नहीं मानते, हम कहते हैं कि शरीर और आत्मा का संयोग जन्म होता है और शरीर और आत्मा का वियोग मृत्यु होती है। इस बीच में ऐसी कोई बात नहीं आ सकती कि मरने पर ये जीवात्मा स्वतंत्र रूप से कुछ भी कर सके, उसकी कोई योग्यता नहीं है। मरने पर ये आत्मा किसकी किसके सानिध्य में पहुंचती है, उसका नाम ईश्वर है। और ईश्वर क्या करता है, उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार उसको अन्य योनि में दोबारा भेज देता है उसके कर्म का फल देने के लिए। बीच में आत्मा के पास कोई योग्यता नहीं है कि वो कुछ भी कर सके। और आजकल तो ऐसा लगता है कि जब कुछ लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ जाते हैं और उसके बाद वो गुरु बन जाते हैं और वो कृपा करने की बातें करते हैं, तो बड़ा अजीब लगता है कि कितनी छोटी छोटी बातें कह रहे हैं जिसका धर्म से कोई संबंध नहीं है, ज्ञान से कोई संबंध नहीं है, आत्मा को उन्नति की ओर ले जाने से कोई संबंध नहीं है। तो ऐसी बातों को जब हम सुनते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा विचित्र लगता है। और हमारी वैदिक मान्यता क्या है, जिसको हम सर्वोपरि कहते हैं, हम सबके कल्याण की भावना को रखते हैं। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका भला करो भगवान। हम वेद मंत्रों के माध्यम से भी ऐसी ही बात कहते हैं, गायत्री मंत्र जिसको गुरु मंत्र बोलते हैं, महामंत्र कहते हैं, इसको हम इतने सारे नामों से पुकारते हैं। क्यों कहते हैं, इसकी महत्ता क्या है? इसकी महत्ता इसी बात में है कि हम इसमें जो कुछ प्रार्थना करते हैं, धियो यो नः प्रचोदयात्, हे प्रभु हम सबको अच्छी बुद्धि प्रदान कीजिए, ये बात करते हैं। ये नहीं कहते हे भगवान मुझे अच्छी बुद्धि देना, स्वार्थ की प्रार्थना नहीं करते, हम सबके कल्याण की कामना करते हैं। हमारे समाज के 10 नियम है महर्षि दयानंद ने बनाए, इन नियमों को जब पढ़ते हैं, इतना समय नहीं कि इन सब नियमों को मैं आपके सामने पढ़ूं, एक नियम केवल कहता हूं अभी, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। जितना ज्ञान जितनी विद्याएं हैं हम मनुष्यों के पास अपने आप से एक अक्षर बोलने की भी योग्यता नहीं है, जब तक परमात्मा सृष्टि के प्रारंभ में हमें वो ज्ञान वेद ज्ञान प्रदान न कर दे। बहुत सारी बातें शेष हैं, लेकिन मैं जब घड़ी की ओर मैंने देख लिया, आप अनिल जी ने मुझे कहा था 30 मिनट से 40 मिनट के अंदर बात कहना, तो मैं अंत में एक दो वाक्य के माध्यम से अपनी बात को समाप्त करने जा रहा हूं। स्वामी दयानंद जी ने हमारे मार्गदर्शन के लिए, हमारे का मतलब केवल आर्य समाजियों की बात नहीं हो रही है, मनुष्य मात्र की बात कह सकते हैं, क्योंकि अभी हमने कहा हम सर्वे भवन्तु सुखिना को मानने वाले हैं, किसी के साथ द्वेष भावना नहीं रखने की बात करते हैं, सबके कल्याण की बात करते हैं। तो उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी पुस्तकों की रचना की है, जो उनका अमर ग्रंथ है, सबसे पहले सत्यार प्रकाश। सत्यार प्रकाश को पढ़ लेने वाला व्यक्ति ये मान सकता है कि उसने लगभग 3000 ग्रंथ पढ़ लिए। संस्कार विधि, पंच महायज्ञ विधि, गो करुणा निधि, पूना प्रवचन, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, इतने सारे ग्रंथ उन्होंने किसके लिए रचे, हम सब के लिए रचे। किस कारण से, कि हम मनुष्य होने के नाते इस वेद ज्ञान को प्राप्त करते हुए अपने जीवन का कल्याण कर सके। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का, डॉक्टर अनिल आर्य जी का, आप सभी श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि डॉक्टर अनिल जी ने मुझे अवसर दिया, जबकि बातें बहुत सारी और थीं,
लेकिन मैं सीमा का अतिक्रमण नहीं करना चाहता हूँ। इतनी ही बात कहकर मैं यही विराम देता हूँ। हालांकि मैं भजन भी ये कहना चाहता था, चलिए समय नहीं है इसलिए मैं भजन तो एक कह लो, 5 मिनट और सही। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद। अगर आप भजन के लिए इजाजत दे रहे हैं तो आइए एक भजन कहकर विराम दूंगा। इस भजन में जो कुछ मैं कहने वाला हूँ वो ये, हम सब आस्तिक हैं, जहां से मैंने बात को प्रारंभ किया था तो उसी बात को कहने वाला हूं। नर नारी हम सभी को ये अधिकार है ईश्वर की भक्ति करने का, उसका गुणगान करने का, उसका धन्यवाद करने का। तो आइए ये भजन इसी बात को कहने की बात कर रहा है, आइए सुने। सब आओ मिलकर गीत प्रभु के गाएं, गीत प्रभु के गाएं। नर नारी सब आओ मिलकर गीत प्रभु के गाएं, गीत प्रभु के गाएं। जिसने हमको जन्म दिया है उसको नहीं भुलाएं, गीत प्रभु के गाएं। मानुष झोला हमें दिया है शुभ कर्मों के कारण, पर ना लाखों योनियां करते रहते धारण। उसकी कृपा को हम दिल से कभी भी नहीं भुलाए, प्रभु के गाएं। नर नारी सब आओ मिलकर गीत प्रभु के गाएं, गीत प्रभु के गाएं। ज्ञान दिया और सच्ची राह बताई, रहता है अंग संग सभी के जो शीशे में खाई। देता है वो हमको सारी जीवन की सुविधाएं, प्रभु के गाएं। गीत प्रभु के गाएं, हमको जन्म दिया है उसको नहीं भुलाएं, गीत प्रभु के गाएं। नर नारी सब आओ मिलकर गीत प्रभु के गाएं, गीत प्रभु के गाएं। सभी का हृदय से आभार, धन्यवाद। आदरणीय विजयभूषण आर्य जी का बहुत सुंदर उद्बोधन, वैदिक सिद्धांत सर्वोपरि, क्यों कैसे, छोटे छोटे प्रसंग, छोटे छोटे उदाहरण, छोटी छोटी बातों द्वारा उन्होंने आपको प्रेरित किया। जल्दी उनसे दोबारा फिर सभी लेंगे, आपको लाभ मिल सके। 5 से 6:30 तक ये कार्यक्रम चलता है,
इससे पहले कि रजनी गोयल जी, आदर्श मेहता जी, दीप्ति सप्रा जी का भजन हो, आज के अध्यक्ष शरद त्यागी जी से प्रार्थना है अपना अध्यक्षीय वक्तव्य, उसके बाद तीन भजन। रविदेव गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए शरद त्यागी जी, स्वागत। ओम नमस्ते, धन्यवाद अनिल जी बहुत ही सुंदर आयोजन के लिए, और उससे भी ज्यादा धन्यवाद विद्याभूषण आर्य जी के लिए, इतना तार्किक तर्क संगत उद्बोधन वैदिक मान्यताओं के बारे में हमें पुनः याद कराया, स्मरण कराया, और छोटे छोटे प्रसंगों से उनको साबित किया। कई बार मन में संशय आने लग जाता है तो उनको बताया और बड़ा ही सुंदर तरीके से वर्णन किया, और वैदिक विषयों की जो वैदिक मूल्यों की जो महत्ता है इस काल में तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसा उन्होंने बताया कि पशु पक्षियों और सबके लिए हमें एक समभाव रखना चाहिए। अगर हम इस महामारी के समय को देखें तो इसकी उत्पत्ति ही शाकाहार और पशु पक्षियों का सम्मान ना करने से हुई है। जहां चीन में बहुत ही विकृत तरीके से जानवरों को खाया जाता है, वहां से वो इसका उपज हुई। और जरा से कुछ शब्दों में यही बताना चाहूंगा कि कैसे अवैधिक तरीके से वो हुआ, और मांसाहार करने से चीन में वो हुआ, उसके बाद इटली में सबसे ज्यादा फैला, और फिर ईरान में फैला, और फिर वहां फैला। यहाँ पे हमारी वैदिक मान्यताओं की एक बहुत सूक्ष्म सी बात समझ में आती है कि हम जो नमस्ते करते हैं, लोगों का सम्मान करते हैं दूर से, वो कितनी महत्वपूर्ण बात है। कितने हमारे जो ऋषि मुनि थे जो पहले ही हमें ये बात बता गए, कुछ लोग तो अब उनको मानने लग गए हैं कि वो साइंटिस्ट थे, उनकी वेशभूषा और उनकी बोलचाल का थोड़ा उपहास किया गया इस अंग्रेजी और पश्चिमी सभ्यता के चलते, लेकिन उनको वो ज्ञान प्राप्त था जो जिसके प्रति पश्चिमी सभ्यता अभी जाग रही है। तो इटली वगैरह में लोग एक दूसरे के गाल से गाल लगा के ही मिलते हैं, ईरान में एक खंबे पे जाते थे वो लोग और उसको सब जो आके चूमते हैं, उसकी वजह से ईरान में इतना ज्यादा फैला शुरू शुरू में, फिर वहां पुलिस को लगाना पड़ा। तो वैदिक मान्यताएं हमारे जीवन जीने हर समय में हमारा साथ, हमें हमारा भला करेंगी और हमारे उत्थान के लिए वो हैं, लेकिन अगर हम उनको माने, उनसे डिगे नहा और इधर उधर की मान्यताओं से ना भटक जाए तो हमारा पूर्ण रूप से इसमें भला होगा और उत्थान होगा। और जैसा आर्य समाज और आर्य समाज के कार्यकर्ता और ये संगठन अनिल जी जो कार्य कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इस विषय को लोगों को आगे तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, जिससे कि लोग इससे विस्मृत ना हो जाएं। तो मैं उसके लिए पुनः सबका आभार करना चाहूंगा, अनिल जी का, विद्याभूषण आर्य जी का, और आप सब उपस्थित हैं इस समय पे जो इस ज्ञान को, जिन्होंने भजन हमें बड़े सुंदर सुनाए और आगे जो सुनाने वाले हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पूरे कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत शुभकामनाएं अनिल जी, धन्यवाद, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद शरद त्यागी जी। आप प्रतिवर्ष पंडित प्रकाश पी शास्त्री जी तत्कालीन सांसद की स्मृति में व्याख्यान माला का आयोजन करते हैं और दिल्ली में भी रहते हैं। आपने बोलने समय दिया, बहुत बहुत आभार। तीन भजन हो गए, मैं एक बार आचार्य विजयभूषण आर्य जी, शरद त्यागी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब जो है आदर्श मेहता जी, दीप्ति सप्रा जी, और एक भजन और, फिर शांति पाठ। परसों का कार्यक्रम 19 दिसंबर, अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी लगी थी, उनकी स्मृति में उनका बलिदान दिवस सुबह 11 बजे से होगा, क्योंकि विशेष कार्यक्रम है। तो 19 दिसंबर सुबह 11 बजे इसी जो लिंक से जुड़ेंगे आप। बिस्मिल की लाइन थी, इन बिगड़े दिमागों में आइए पिताजी
एक भजन दीप्ति सभा क्या रहेगी। सभी को सादर नमस्ते। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, जिसे बिना थका पहचान खिलौना माटी का। पैर दिए तीर्थ करने को, पैर दिए तीर्थ करने को, हाथ दिए कर दान खिलौना माटी का। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, कान दिए सुन वेद की वाणी, कान दिए सुन वेद की वाणी, आँख दिए पढ़ ज्ञान खिलौना माटी का। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, कान दिए मुखड़े की शोभा, कान दिए मुखड़े की शोभा, करनित प्राणायाम खिलौना माटी का। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, मुख दिया बोल ओम नाम को, मुख दिया बोल ओम नाम को, संध्या कर सुबह शाम खिलौना माटी का। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, लाख मिटे इस माटी अंदर, लाख मिटे इस माटी अंदर, राजा रंग मिटे इस अंदर, वहां न राम निशान खिलौना माटी का। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, जिसे कोई न सका पहचान खिलौना माटी का। धन्यवाद अलेक्स। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी। अब दीप्ति सप्रा जी, उसके बाद एक भजन, फिर शांति पाठ। आइए दीप्ति जी, स्वागत। सभी को सादर नमस्ते जी। वैदिक मान्यताएं सर्वोपरि, बहुत ही सुंदर विषय। यदि वैदिक मान्यताओं पर, वेदों पर यह देश चला होता तो शायद इस देश का नक्शा कुछ और होता और इस देश का नाम आर्यवर्त ही होता। आइए गीत के माध्यम से सुनिए। इस आर्यवर्त में गर वेदों का मान होता, इस आर्यवर्त में गर वेदों का मान होता, काहे को नाम इसका, काहे को नाम इसका हिंदुस्तान होता। इस आर्यवर्त में गर वेदों का मान होता, आर्य से नाम होता फिर क्यों गुलाम हिंदू, हिंदू के अर्थ का अगर कुछ हमको ज्ञान होता, काहे को नाम इसका, काहे को नाम इसका हिंदुस्तान होता।
इस आर्यवर्त में गर वेदों का मान होता। ईश्वरोक्त वेद पाठन की रीत होती जारी, फिर क्यों पुराण होता और क्यों कुरान होता, काहे को नाम इसका, काहे को नाम इसका हिंदुस्तान होता। इस आर्यवर्त में गर वेदों का मान होता। क्यों सिफ्त पाती इतना मोटर वरील गाड़ी, भोज का अगर यहाँ विचित्र यान होता। इस आर्यवर्त में गर वेदों का मान होता। वायुयान में नयकता होते विदेश वाले, विश्वकर्मा का यहाँ पुष्पक विमान होता। काहे को नाम इसका, काहे को नाम इसका हिंदुस्तान होता। इस आर्यवर्त में गर वेदों का मान होता। ए वीर ऋषि दयानंद आते अगर यहाँ ना, वीर ऋषि दयानंद आते अगर यहाँ ना, चोटी जनेयू का ना नामो निशान होता। काहे को नाम इसका, काहे को नाम इसका हिंदुस्तान होता। इस आर्यवर्त में गर वेदों का मान होता। इस आर्यवर्त में गर वेदों का मान होता। इस आर्यवर्त में गर वेदों का मान होता। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी। एक भजन हमारे पास, कलाकार तो बहुत है, किरण सहगल जी, रचना चावला जी, संगीत आर्य जी, जन अगरोड़ा जी, तो एक भजन जिनकी तैयारी हो आज। मैं बोल रही हूँ, जन अगरोड़ा बोल रही हूँ। चलो आप बोल लो जी। एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। आन है हमारी और ईश का विधान है, आन है हमारी और ईश का विधान है, वेद ज्ञान आर्यों की जान और प्राण है, वेद ज्ञान आर्यों की जान और प्राण है, आन है हमारी और ईश का विधान है, वेद ज्ञान आर्यों की जान और प्राण है। लेख राम का लहू पुकार करके कह रहा, लेख राम का लहू पुकार करके कह रहा, खून राजपाल का उसी राह में बह रहा, खून राजपाल का उसी राह में बह रहा। राम भक्त आर्यों के वल वलों की तान है, वेद ज्ञान आर्यों की जान और प्राण है, वेद ज्ञान आर्यों की जान और प्राण है। बंद ही हो गया। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है जी। अच्छा। छूत छात भेद भाव का जो घोर घाती है, वेद ज्योति हृदयों की वेदना मिटाती है। छूत छात भेद भाव का जो घोर घाती है, वेद ज्योति हृदयों की वेदना मिटाती है। वीर श्रद्धानंद जिसका देवता महान है, वीर श्रद्धानंद जिसका देवता महान है, वेद गाने आर्यों की जान और प्राण है, वेद ज्ञान आर्यों की जान और प्राण है। धर्म प्यारे कपिल और कृष्ण योगी राज का, धर्म प्यारे कपिल और कृष्ण योगी राज का, लाज लाज पत की व मान हंस राज का, लाज लाज पत की व मान हंस राज का। देश के दीवाने वीर बिस्मिल की तान है, वेद ज्ञान आर्यों की जान और प्राण है, वेद ज्ञान आर्यों की जान और प्राण है। जिसके लिए जेल में सुमेर ने जानवार दी, जिसके लिए जेल में सुमेर ने जानवार दी,
दयानंद ने जिसकी सोई भावना उबार दी, दयानंद ने जिसकी सोई भावना उबार दी, पमन पुत्र वीर धीर जिसका हनुमान है, वेद ज्ञान आर्यों की जान और प्राण है, वेद ज्ञान आर्यों की जान और प्राण है, जिसके वीरों को न वार छुरे के डरा सके, जिसके वीरों को न वार छुरे के डरा सके, जिसका संत सीना थे जो संगीनों पे अड़ा सके, जिसके वीरों को न वार छुरे से डरा सके, जिसके संत सीना थे संगीनों से अड़ा सके, जिसके वीर सैनिकों की भावना जवान है, वेद ज्ञान आर्यों की जान और प्राण है, वेद ज्ञान आर्यों की जान और प्राण है, आन है हमारी और ईश का विधान है, वेद ज्ञान आर्यों की जान और प्राण है, वेद ज्ञान आर्यों की जान और प्राण। धन्यवाद। धन्यवाद बादाचार्य करोड़ा जी। किरण सहगल जी, आपका नाम पहले बोला था, तैयारी है तो आ जाए। किरण सहगल जी बजाई बाग से अंतिम भजन। नमस्कार जी, स्वागत। एक छोटा सा भजन। मैंने देखा आप कॉपी खोल के बैठे हो। हाँ जी, चलो बिल्कुल आइए। एक छोटा सा भजन प्रस्तुत है। वेद के मार्ग पर जब से चलने लगा, वेद के मार्ग पर जब से चलने लगा, ज्ञान का दीप उनमें जलने लगा, जब से परमात्मा पर भरोसा हुआ, जिंदगी का सफर ही बदलने लगा, वेद के मार्ग पर जब से चलने लगा, पर्वतों पत्थरों में भटकता रहा, पर्वतों पत्थरों में भटकता रहा, मंदिरों मस्जिदों में भटकता रहा, काशी मथुरा हरिद्वार में जाता रहा, काशी मथुरा हरिद्वार में जाता रहा, गंगा जमुना सरस्वती में नहाता रहा, सोच कर अब मेरा दिल पिघलने लगा, जब से परमात्मा पर भरोसा हुआ, जिंदगी का सफर ही बदलने लगा, वेद के मार्ग पर जब से चलने लगा, वेद के मार्ग पर जब से चलने लगा, जब से उसकी शरण आने लगा, गीत बेहोशी में गाने लगा, मन में तरंग दिल में उमंग मस्ती से छा गई, प्रभु के दीद में मन मचलने लगा, प्रभु के दीद में मन मचलने लगा, जब से परमात्मा पर भरोसा हुआ, जिंदगी के मार्ग पर जब से चलने लगा, ज्ञान का दीपुर में
जलने लगा ज्ञान का दीपुर में जलने लगा वेद के मार्ग पर जब से चलने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद किरण सहगल जी। संगीता जी आज रह गई, सुशांता जी अम्बाला से, रजनी गोयल जी आदर्श नगर से, कई लोग छूट गए। शमा प्रार्थी, अब प्रवीत जी गाजियाबाद से प्रार्थना करूंगा शांति पाठ कराएं। एक बार निमंत्रण दे दूं, परसों 19 दिसंबर सुबह 11 बजे इसी जूम लिंक पर आप सब जुड़ेंगे। अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल का बलिदान दिवस मनाया जाएगा। गुरुकुल नोएडा के आचार्य डॉक्टर जयेंद्र जी का मुजस्वी उद्बोधन डॉक्टर डी के गर्ग की अध्यक्षता रहेगी। आपके देशभक्ति के गीत होंगे, तैयारी के साथ आइए परसों 19 तारीख 11 बजे। आइए प्रवीत जी शांति पाठ। प्रवीत जी आ रहे हैं, तो सौरभ जी आज आप कराओ। हाँ जी, चलाओ फिर भाई आओ शांति पाठ। बिल्कुल, गीत तो पहले हो चुका। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों का ऑनलाइन मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको जब जब भी ऐसा कार्यक्रम की सूचना मिले आप इसी प्रकार अपना स्नेह बनाए रखें और जुड़े रहें और शांति पाठ के साथ ये सभा यहाँ संपन्न होगी। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वद्वम शांति शांति देवा शांति सामा शांति रेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अब है सत्य सनातन धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। मिर्जानंद जी महाराज की जय। जय हो। धर्म पर बलिदान होने वाले वीर और वीरांगनाओं की जय। जय हो। माता की जय। गौ माता का पालन हो। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। परसों 19 को 11 बजे मिलते हैं सवेरे। धन्यवाद जी।